आपका माध्यम से मैं सारा ईटानगर का जो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दायरे में जो आता है, हमारा दायरे यूँ है कि आप बंदरदवा चेक गेट से लेके जहाँ दो विधानसभा क्षेत्र को कवर करता है, 13 ईटानगर एंड 14 दुईमुख को, यहाँ आपका चिंपू तक। ये देखिए, जब से ईटानगर म्यूनिसिपल काउंसिल आया पिछला 9-10 साल पहले से, सबसे बड़ा चैलेंज था ये न्यू व्हीकल्स। व्हीकल्स बोले टू नॉट ओनली व्हीकल्स, वेल इक्विप्ड व्हीकल्स, जो गाड़ी में जो सारा सुविधा होता है, सारा सुविधा, अनेक अनेक प्रकार का जो लीकेज को चेक करने के लिए अपना ये गाड़ियों में इनबिल्ट सिम है, जीपीएस कंट्रोल होता है। हमारा कार्यकर्ता कहीं अगर अलग दिशा में चलना जानेगा तो हम कंट्रोल रूम से पता चल जाएगा कि ये अलग दिशा में ये गाड़ी जा रहा है करके। और उसका बाद फ्यूल का और अलग अलग जो जितना भी इसमें कंट्रोलिंग होता है तेल वगैरह का, परफेक्टली कंट्रोल होता है। इसलिए आप सबको बता दूँ, सारा ईटानगर वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। मेरा 20 कॉरपोरेटर इलेक्टेड का साथ, जो हमारा डिप्टी मेयर साहब है, हमारा कमिश्नर साहब है और स्टैंडिंग कमिटी मेंबर है, सारा अदर कॉरपोरेटर्स, जब से हम लोग चुनाव जीत के आया, 5 से 6 महीना तो हम लोग कोविड को जूझ रहा था। 2-3 महीना हम लोग पहले सीएम सर को हम लोग लगभग 4 बार मिला, डीसीएम सर को तो हमेशा मिलना होता है। हमारा पहला डिमांड था गाड़ी आएगा। आप सबको मालूम है दोस्तों, सरकारी कागज़ को इधर उधर मूवमेंट करने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है, लेकिन हमारा टीम दिल से लगाए, हमको लगाए सबसे पहले गाड़ी, नया गाड़ी आना है, जहाँ हमारा पिकर लोग और जो गार्बेज पिकर होता है, स्वीपर होता है, हम सही ढंग से सिटी से ले जाके हम मैनेजमेंट के लिए आगे पहुँचाएगा। आप सबको फिनिशिंग लाइन को भी बता देगा, करसिंग साहब में हम लोग 99% सॉल्व हो गया, हम लोग सॉलिड बेस मैनेजमेंट का पक्का अपना जमीन एक तो खड़ा कर दिया। ईटानगर में NGT का गाइडलाइन का तहत 2.5 किलोमीटर से आगे ईटानगर में भी हम लोग IMC का एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जगह खड़ा कर दिया। जैसे मैंने बताया आप सबको, यहाँ ईटानगर में ट्रोपोग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के लिए इशू है, इसलिए सेवरेज नहीं बनता, यहाँ सेप्टिक बनता है। तो सेप्टिक प्लान 8 साल से डिफंक था, तो डिप्टी मेयर हम दोनों ने चर्चा करके इस बार हम लोग कैपिटल में, दिल्ली में दौरा किया, इंदौर में दौरा किया, जल्दी जल्दी वापस आके हम लोग बहुत जल्दी जल्दी शुरू कर दिया। हमारा कमिश्नर को लगा के सेप्टिक टैंक और सेवरेज टैंक दोनों फुल स्विंग में है। उसका बावजूद आप सबको एक और ये भी संदेश दे दूं कि ईटानगर के लिए बहुत खुशी की बात है, आगे पब्लिक को, ईटानगर का माँ पिताजी लोग को हम ये बोलेगा कि अभी हमारा टीम पूरा तैयार है, आप लोग गार्बेज को इधर उधर लिटरिंग मत करिए प्लीज, इधर उधर फेंकिए मत, जगह में रखिए, जिंगल बेल होगा, सपोर्ट करिए, हम 100% देने के लिए हम पूरा तैयार है। इस प्रयास में आप सब भी प्रयास में साथ में रहिए। और हाल ही में 3 दिन पहले हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मिला, मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी ने हम लोगों को एक बहुत बड़ा डेड लॉक को क्लियर कर दिया। हम एकदम उसको आपके सामने सार्वजनिक करना चाहता है, हम लोगों को 1.78 करोड़ सिंस इंसेप्शन, जब से काउंसिल और PMC और IMC जन्म लिया, तब से हमको 250, ईटानगर का अलग भाग है, PMC का अलग भाग है, 1.78 करोड़ से हमको चलना पड़ता था स्टेट ग्रांड ने। तो उसको CM साहब, हम लोग का खुशकिस्मती है पेमा खांडू जैसे चीफ मिनिस्टर हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उस दिन हमें बुला के CS था, सारा सिस्टम था, उन्होंने 1.78 से बढ़ा के हम लोग को क्वांटम जम कराया, क्वांटम 1.78 से लेके डायरेक्ट 6 करोड़ तक हम लोगों को आश्वासन दिया। हमको लगता है इस बजट में हम लोगों को फिक्स हो जाएगा, DCM साहब भी अभी ओके कर दिया। ये ईटानगर के लिए, IMC के लिए बहुत खुशी का बात है, जब हमारा रिसोर्स रहेगा, हमारा टीम, हमारा कमिश्नर काम करने के लिए हमेशा रेडी है, लेकिन रिसोर्स नहीं होने से, सिस्टम सपोर्ट नहीं होने से काम करने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था, सच्चाई बात। अभी हम लोगों को पास सिस्टम आ गया, लास्ट टाइम हम इंदौर से आप लोगों को बता दिया था, हमारा बहुत जल्दी हमारा एप्स आ रहा है, ये गाड़ी में एप्स से कनेक्टेड रहेगा। उस एप्स में आप कोई भी पब्लिक का हाथ में जो मोबाइल रहेगा, स्मार्ट मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, जिसका हाथ में भी रहेगा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, उसमें IMC का एक तो
एप्लीकेशन आएगा, उस एप्लीकेशन में आप पब्लिक, लेकिन उसको मिसयूज़ नहीं करना। हमारा अरुणाचल में थोड़ा ज़्यादा मिसयूज़ होता है ये डिजिटल का भी, सोशल मीडिया का भी। सही में काम में कचरा गिरा है, काम में मेरा IMC का गाड़ी नहीं आया, मेरा ड्राइवर और मेरा स्टाफ लोग काम में गड़बड़ कर रहा है, कहाँ नेग्लिजेंसी कर रहा है, आप लोग पब्लिक लोग बताएगा। पब्लिक लोग जहाँ रिपोर्ट करेगा वहाँ हमारा कंट्रोलिंग टीम का अपना सिस्टम जो है, इमीडिएटली ऑफिसर्स लोग ईटानगर का हर एक जनता को, हर एक इंडिविजुअल को हम लोग तहे दिल से सर्विस करने, मदद करने के लिए तैयार है। यह हमारा कमिटमेंट है, मेक इट प्लीज ग्रांटेड। लेकिन इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए खाली IMC और सरकार से नहीं होगा। हम लोग वेल इक्विप होके आ रहा है, काम करने आ रहा है, लेकिन सारा सज्जन, सारा डेनिजन, सारा पब्लिक, सबसे ज़्यादा बाग, ज़्यादा मदद आप लोग करना पड़ेगा, तब हम लोग डर्टीएस सिटी से उठ के क्लीनियस्ट सिटी में आएगा। ईटानगर खाली हम लोग का नहीं है, हम सबका है। ईटानगर ये कैपिटल है, यहाँ कोई जाति या कोई भाई या कोई धर्म या एक नियम का, एक पार्टी का, एक कम्युनिटी का नहीं है, ये सारा स्टेट का है, सारा देश का है, इंडिया का है। इसलिए इसको कैपिटल को आगे बढ़ाने के लिए आप सब मिलके हर किसी को, खास करके यूथ लोग को हम आह्वान करना चाहेगा। हम लोग गलत दिशा, गलत दशा को छोड़ के, जो अब गलत एंटी सोशल एलिमेंट्स में जाता है, जो ज़्यादा वन कल्चर में जाता है, जो आगे इधर ड्रग्स मैनेज में ये करता है, ये सब छोड़ छाड़ के हम जब फ्यूचर के लिए जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पता है फ्यूचर मतलब यूथ है। अब यूथ के लिए लड़ रहा है, इसलिए यूथ आप जो सुरक्षित रही है, कल जो है पेमा खांडू का लीडरशिप में द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल इज वेरी ब्रेटर, प्लीज इंजॉय इट, इसको आप इंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। सर, आज कितना गाड़ी फ्लैग ऑफ हुआ है और आने वाले समय और कितना गाड़ी आने वाला है सर, और ये जो गाड़ी आज फ्लैग ऑफ हुआ कहाँ कहाँ डिप्लॉयड हो गए? आप सबको हमसे ज़्यादा मालूम है, पहले जब पुरानी गाड़ी का जहाँ तक सवाल है, सोशल मीडिया में भी बहुत आता था, हम जवाब दे नहीं पा रहा था। तो कुल मिला के अभी हमारा 28 गाड़ी का आज मार्चिंग हुआ, सिर्फ 415 के लिए, ये क्योंकि सबका चेहरा है 415 फोर लेन हाईवे के लिए। हम लोग कंपेक्टर जो मैकेनिकली क्लीन करता है, स्वीपिंग और जो पिकिंग करता है, उसके लिए हम लोग अभी अलग से दो गाड़ी बुलाया, अभी CS साहब और दो देगा बोला, चार गाड़ी आ रहा है, दो तो ऑन द वे है कंपेक्टर। अपना गली गली में, कॉलोनी कॉलोनी में जो जाके जो गार्बेज पिकिंग करना, ये सब है। अभी मेरा पास 50+ गाड़ी है, 14FC का धनराशि हमारा पास, पेमा खांडू जी का मेहरबानी से, चोना मेन सर का मेहरबानी से अभी हमारा ऑफिस में पहुंच गया। वहाँ में भी 20-30 गाड़ी का प्रोग्राम है, मतलब हर वार्ड में कम से कम 2 से 3 गाड़ी आज से मूव करेगा। आपको हम दुख का बात ये बता दूँ, पहले हम एक गाड़ी से 4-4 वार्ड कवर कर रहा था, अभी एक वार्ड में 3-3 गाड़ी आएगा, उल्टा हो गया ये कैलकुलेशन। सिर्फ हम लोगों को, पब्लिक को भी थोड़ा अवेयर होना है, हमारा टीम तो काम करेगा, मेन पावर भी हम लोगों ने ये रेस कर लिया। अभी ईटानगर को साफ करना है तो हम लोग सब मिलके करना है, गाड़ी का नंबर अभी पक्का है। सर, आप पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं IMC, लेकिन आप लोग की फीस जो है, अलग स्टेट में फीस भी नहीं ली जाती, लेकिन आप लोग तो यहाँ फीस ले रहे हैं कॉमन आदमी से, दुकानों से, कई कई तो कंप्लेन भी आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा फीस ली जा रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बात को हमारा एक कैटेगरी के लिए आंसर ये है कि हम लोग ह्यूमन बींग है, इंसान जाति है, इंसान जाति होने के कारण आप इंडियन को, फॉरेन को, जापान को, 2-3 देश को छोड़ दीजिए, आप सारा पृथ्वी को बोलिए, हम लोग इंसान जाति एनिमल का अंदर भी सोशल एलिमेंट सबसे बड़ा है। हम लोग सब जगह फ्री दुनेगा तो हम लोगों को देगा कौन? हम लोगों को काम करना है, हर किसी को, अलग अलग प्रोफेशन से ही, ऑफिसर्स है, बिजनेस है, डेली वेजेस है, दुकानदार है, अलग अलग, हर किसी का फीस होता है, दुनिया में फीस होता है, दुनिया चलती इसलिए है, फीस के लिए है। अभी बजट, आज हमारा बजट हो रहा है, DCM सर ने बताया, स्टेट बजट भी होगा, वो बजट का धनराशि कहाँ से आता है? टैक्स से ही तो आता है। आप लोग भी मेहनत करता है तो क्या करेगा इतना कमाई को, एक बात जो देश को देना है, उस धनराशि को मिला के हम लोग टैक्स बनाते हैं। IMC का टैक्स का जहाँ तक सवाल है, आज का तारीख तक आप लोग मालूम था,
हम लोग 100 रुपीज़ के लिए, हमारा पास अभी मेन पावर रेस नहीं है, 100 रुपया मांगता था और दुकानदार को हम लोग 200-250 से ऊपर नहीं था, दुकानदार को बता रहे आपको, और जहाँ से हम लोग ज़्यादा कचरा लेता है। और आपको IMC जो है 100 रुपीज़ करके लेता था, वो भी रेगुलर नहीं था, हम लोग को रेगुलर में देता नहीं था, हम ज़बरदस्ती करता नहीं। तो फीस को तो हम एज ए तमें पसंग बोलेगा, एज ए ह्यूमन बींग हर किसी को फीस देना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का सीमा रेखा होना चाहिए। जो BPL है, जो गरीब है, अंत्योदय है, उससे फीस नहीं लेने का है, लेकिन जो फीस देने का काबिल है वो फीस देना है। नहीं होने से संगठन सरकार कहीं भी नहीं चलता है बिना फीस का। इसलिए फीस का जहाँ तक सवाल है, हमारा कमिश्नर साहब का कल परसों एक क्लैरिफिकेशन देखा है, कहीं एक तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया कि 1000 रुपीज़ हम लोग फीस इम्पोज किया करके, ये बिल्कुल गलत है। ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे कर ही नहीं सकता है। ये फीस का जहाँ तक सवाल है रॉन्ग है, हम लोग 100 रुपीज़ लेता है, अभी तो अच्छा से साफ कर देंगे। मेरा ख्याल में हम लोग मांगने जरूरी नहीं हो, आप लोग खुद देगा लगता है, सबसे पहले तो आप देगा लगता आज तक। सर अच्छा, फुटपाथ के लिए, कैपिटल में फुटपाथ के लिए आप लोग की ये IMC जो करेगी अभी लोगों के लिए चलने के लिए, जो BPR बना रही है फुटपाथ के लिए, देखिए गली गली में सारा अलग अलग कॉलोनी में तो फुटपाथ है। आपने अच्छा बात जिक्र किया, जहाँ में अभी 415 बना है, हम लोग भी चिंता करते हैं सर आप लोग के जैसे, यहाँ में प्रॉपर रेलिंग होके कहीं दुर्घटनाग्रस्त ना हो। हम लोग का गरीब आदमी, रिक्शा वाला, ठेला वाला, आम जनता को जिसका पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, उसको फुटपाथ मिलना चाहिए। तो कल का बैठक में इधर डिप्टी मेयर साहब खड़ा है, कमिश्नर साहब इधर खड़ा है, हम लोग ने चीफ मिनिस्टर सर को, जहाँ 415 बन चुका है, जहाँ गाड़ी का गति इतना तेज होता है कि कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर फुटपाथ नहीं है, तो हम लोगों ने उसका जितना ड्रेन है, ड्रेन को हम लोग प्रॉपर सीलिंग करके, सीलिंग का ऊपर में वो प्लेट डाल के प्रॉपर रेलिंग करके उसमें वॉकिंग स्पेस बनाया। अभी उस दिन का पेपर वर्क में थोड़ा सा सरकार का इशू था, बोला बजट थोड़ा हाई था हुआ है, इसलिए युवराज जी आप अच्छा सवाल किया। अभी हम लोग का प्रायोरिटी जो है गरीब और आम जनता के लिए, हम लोग फुटपाथ के लिए सरकार को प्लेसमेंट कर दिया, बहुत जल्दी हो जाएगा।